हेलो, गुड इवनिंग दोस्तों। 19 दिसंबर 2018 की डेली प्रीलिम्स एमसीक्यू सीरीज में आपका स्वागत है। चलते हैं आज के हम क्वेश्चंस की तरफ। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है यहाँ पे सशस्त्र सीमा बल के बारे में। तो क्वेश्चन में आपको 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं सशस्त्र सीमा बल के बारे में, उनके बारे में विचार करना है। पहला स्टेटमेंट दिया गया है कि यह अर्धसैनिक बलों का एक हिस्सा है। दूसरा स्टेटमेंट दिया गया है कि यह नई दिल्ली में मुख्यालय के साथ डिफेंस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है। तीसरा स्टेटमेंट दिया गया है कि इसमें राष्ट्रीय गश्त, सुरक्षा और अखंडता के लिए विशेष क्षेत्राधिकार या इसको स्पेशल पावर है वो दी गई है, मतलब इसकी स्पेशल ज्यूरिडिक्शन होती है नेशनल पेट्रोल सिक्योरिटी एंड इंटीग्रिटी के मामले में। तो हमें यहाँ पे बताना है कि सही विकल्प का चूज है वो यहाँ पे करना है। तो देखो, जैसा हम लोग जानते हैं कि सेकेंड स्टेटमेंट यहाँ पे साफ साफ गलत है। क्यों? क्योंकि जो पैरामिलिट्री फोर्स आती हैं बेसिकली वो आती हैं होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत, ना कि डिफेंस मिनिस्ट्री के अंतर्गत। तो इसीलिए सेकंड स्टेटमेंट गलत होता है। तो सेकंड यहाँ पे गलत होता है तो हमारे पास ऑप्शन बचता है सिर्फ एक कि तीसरा स्टेटमेंट ही सही है। ये चीज़ हमें ध्यान में रखनी है, क्योंकि वैसे तो देखो हम बात करें कि पहला स्टेटमेंट भी सही है, बट फर्स्ट और थर्ड यहाँ पे किसी में ऑप्शन नहीं है, तो इसलिए थर्ड डी ऑप्शन है यहाँ पे, वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आया है बेसिकली SAI यानी कि स्टेटोफेरिक एरोसोल इंजेक्शन के बारे में। आपको विचार है वो करना है। पहला स्टेटमेंट दिया गया है कि है ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रोल करने के लिए, सीमित करने के लिए एक भू इंजीनियरिंग तकनीक है, या फिर आप बोलते हो जियो इंजीनियरिंग टेक्निक है। सेकेंड स्टेटमेंट ये है कि सल्फर जो एरोसोल होते हैं वो बेसिकली जंजल लेयर है उसका निर्माण है वो करते हैं, क्योंकि इसमें काफ़ी समृद्ध कण होते हैं जंजल लेयर के, जो कि एक लेयर में वो बनाते हैं। हमें यहाँ पे बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। यहाँ पे देखो राइट ऑप्शन हमें बेसिकली पूछा गया है। तो देखो इसके बारे में हम बात करें तो यहाँ पे पहला स्टेटमेंट है वो भी सही है और सेकंड स्टेटमेंट है वो भी, दोनों सही हैं। आगे हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे SAI के बारे में, यानी कि स्टेटोफेरिक एरोसोल इंजेक्शन क्या होता है, इसको भी हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी स्टेटोस्फेरिक एरोसोल इंजेक्शन के बारे में है। क्वेश्चन ये है कि स्टेटोस्फेरिक एरोसोल इंजेक्शन के जो संभावित दुष्परिणाम हैं वो कौन से हैं। पहला ऑप्शन दिया गया है कि आकाश का श्वेतकरण, यानी कि आकाश है वो व्हाइट हो जाएगा। सेकंड स्टेटमेंट दिया गया है कि स्थलीय वार्मिंग, और थर्ड स्टेटमेंट दिया गया है यहाँ पे कि ट्रोपोस्फेरिक ओजोन डिपेंशन, यानी ट्रोपोस्फेरिक जो ओजोन है वो डिप्लेट हो जाएगी, वो एक तरह से खत्म होने लग जाएगी। तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा है। अभी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे SAI के बारे में, यानी कि स्टेटोस्फेरिक एरोसोल इंजेक्शन है वो होता क्या है। देखो हमारा जो वातावरण है उसमें आपको पता है काफ़ी सारे लेयर हैं, क्षोभ मंडल, समता मंडल, आयन मंडल, मध्य मंडल, इस तरीके से। तो उसमें क्या होता है कि सल्फ्यूरिक एसिड और हाइड्रोजन सल्फाइड और सल्फाइड ऑक्साइड, तो ये हमें दो चीज़ें ध्यान में, तीन चीज़ें ध्यान रखनी है कि सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोजन सल्फाइड और इसी के साथ ही सल्फाइड डाइऑक्साइड है, इनको तीनों को मिला के स्प्रे है वो किया जाता है आकाश के अंदर किसी एयरक्राफ्ट की हेल्प से या फिर बेलून की हेल्प से। वो क्या करेंगे, एक सल्फर की लेयर है, मोटी लेयर है, वो क्रिएट कर लेंगे आकाश में, जिससे होगा क्या कि जो भी हमारे एटमोसफियर से जो भी यूवी रेज आती हैं, सनलाइट आती हैं, वो इससे रिफ्लेक्ट होके वापस ली जाएंगे, मतलब हमारी अर्थ पे कम सनलाइट आएंगी कंपेरेटिव टू। तो इससे होगा कि ग्लोबल वार्मिंग है वो नहीं हो पाएगी। तो इससे रोकने के लिए बेसिकली ऐसे ही इंजेक्शन की बात हो की गई थी, वो भी न्यूज़ में भी था, तो इसलिए इसके बारे में क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है। तो आपको इसके बारे में बताना है कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट है वो सही हो जाएगा, किसके दुष्परिणाम क्या क्या हो सकते हैं। देखो हम बात करें, पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, सेकंड स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है कि जो ट्रोपोफेज वार्मिंग, मतलब कि जो स्थल मंडल, स्थलीय एरिया है जहाँ पे हम लोग रहते हैं उसके आसपास क्या है, वार्मिंग बढ़ जाएगी। इसके साथ ही यहाँ पे, सॉरी, ट्रोपोस्फेज की बात की गई है, इसके साथ आकाश है वो सफ़ेद हो जाएगा, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। थर्ड स्टेटमेंट आपको एक बार सोचिए कि ओजोन लेयर है वो डिप्लीट होगी या नहीं होगी, इसके बारे में आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें करेक्ट स्टेटमेंट हमें चूज करना है। पहला ऑप्शन दिया गया स्टेटमेंट है हमारे सामने वो है, पहले की तुलना में पिछले उष्णकटिबंधीय स्तर पर अधिक ऊर्जा उपलब्ध है। सेकंड स्टेटमेंट दिया गया है कि खाद्य श्रृंखलाओं में ज़्यादातर 3 से 4 ट्रॉपिक स्तर है या ट्रॉपिक लेवल है वो होते हैं। तो देखो बेसिकली दोनों स्टेटमेंट हैं वो फूड से श्रृंखला है, हमारी खाद्य श्रृंखला है उससे रिलेटेड है। पहला स्टेटमेंट आपको थोड़ा अगर ट्रांसलेट करके बताऊं तो पहला स्टेटमेंट ये कह रहा है कि जो एनर्जी लेवल है एक स्टेज से, या जैसे प्राइमरी से सेकेंडरी में जाते हैं, सेकेंडरी से टर्शरी में जाते हैं, तो वहाँ पे जो एनर्जी का लेवल है वो ये कह रहा है कि सेकेंड जो लास्ट वाले में बढ़ता है, मतलब फर्स्ट से सेकेंड में जाएंगे तो एनर्जी बढ़ेगी, सेकेंड से थर्ड में जाएंगे तो एनर्जी बढ़ेगी, ये ऐसे कह रहा है। जबकि हम जानते हैं कि ये स्टेटमेंट गलत है। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि अगर हम एक खाद्य श्रृंखला से दूसरी श्रृंखला में जाते हैं, दूसरे स्तर में जाते हैं ट्रोपिक लेवल में, तो वहाँ पे 10% ही एनर्जी पहुँचती है, ना कि पूरी पहुँचती है। तो इसलिए अंत तक तो 10-10% कम होती जाएगी, ना कि बढ़ेगी थोड़ी,
कि पहले एनर्जी पूरी 100 है, तो नेक्स्ट स्टेज में कितनी पहुंच जाएगी, 10। अगली में क्या पहुंच जाएगी, 10%, मतलब कि 1। फिर आगे धीरे धीरे और भी कम पहुंचती जाती है। तो इसलिए पहला स्टेटमेंट यहाँ पे गलत होता है। सेकेंड स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि फूड चैन है उनमें मोस्टली नॉर्मली हम बात करें तो 3 या 4 हैं वो ट्रॉपिक लेवल होते हैं। तो इस तरीके से सेकेंड स्टेटमेंट सही है, पहला यहाँ पे गलत हो जाते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग आर्ची टारगेट के बारे में। तो हमें ये पता होना है कि चाहिए कि आर्ची टारगेट है क्या। पहली बात तो ये है, तो पहला ऑप्शन आपके सामने ये है कि ओजोन परत की सुरक्षा के लिए है बेसिकली। दूसरा स्टेटमेंट ये है कि क्लाइमेट चेंज के खिलाफ लड़ने के लिए है। तीसरा स्टेटमेंट है कि जल संरक्षण अवेयरनेस कार्यक्रमों को बढ़ावा देने के लिए है। और चौथा ऑप्शन है कि जैव विविधता की रक्षा और संरक्षण के लिए। तो जैसा हम लोग जानते हैं कि आर्ची टारगेट है वो बेसिकली टू प्रोटेक्ट एंड प्रिजर्व बायोडाइवर्सिटी, मतलब कि डी ऑप्शन यहाँ पे इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कंसिडर द फॉलोइंग रिगार्डिंग ट्राइब्स एंड रीजन। यहाँ पे आपको ट्राइब और रीजन दिया गया है, आपको चूज है राइट आंसर और यहाँ से सिलेक्ट है वो करना है। पहला दिया गया है कि भील है वो नागालैंड में, दूसरा ऑप्शन दिया गया है आपको कि रियांग है वो त्रिपुरा में, तीसरा ऑप्शन दिया गया कि माला है वो केरला में। हमें राइट ऑप्शन चूज करना है। तो देखो जो भील ट्राइब है वो है बेसिकली राजस्थान की, तो इसलिए पहला स्टेटमेंट गलत है। और अगर हम पहले को एलिमिनेट करें तो हमारे पास ऑप्शन बचता है सिर्फ और सिर्फ बी, यानी कि सेकेंड और थर्ड स्टेटमेंट यहाँ पे सही है, सेकेंड और थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग बायोगैस। पहला आपके सामने है कि इट इज बायो प्रोडक्ट, सॉरी जो बायोगैस है इसके बायो प्रोडक्ट होते हैं राख और धुआं। दूसरा स्टेटमेंट ये दिया गया है कि जो प्लांट है वो बेसिकली अवायवीय श्वसन करते हैं। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है वो आपको बताना है। तो देखो बायोगैस होती है, आपको बताया गैस है तो ऑब्वियसली जलेगी तो राख तो नहीं बनेगी। इसका मतलब पहला स्टेटमेंट है वो यहाँ पे साफ साफ गलत हो जाएगा कि बायो प्रोडक्ट राख और धुआं की बात कर रहा है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। सेकंड ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है कि प्लांट है वो अवायवीय श्वसन करते हैं, तो इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। तो ये थी आज की हमारी क्वेश्चन डिस्कशन सीरीज, आपको कैसी लगी इसके बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो फिलहाल के डिस्कशन में इतना ही है, तो थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।